जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। इनको ऐसी पटकनी देंगे कि इनको छठी का दूध याद आएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद मानो भारतीय जनता पार्टी में एक सैलाब आया और देखते ही देखते विधायकों के इस्तीफे के बाढ़ से भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भरभरा कर गिरने को तैयार खड़ी है। इसी के बीच अब तक एक और चौंकाने वाला बयान हमारे सामने संजय रावत का आया है, जहां पर उन्होंने दावा किया है कि 10 मंत्री और भारतीय जनता पार्टी को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं। लेकिन ये तो दिखने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी जितना 80% वर्सेस 20% को लेकर ध्रुवीकरण के मामले में सीना ठोकती हुई नजर तो आ रही थी, लेकिन विकास के नाम पर जो हुआ वो सिर्फ इवेंट था और जनता को उसका कोई फल नहीं मिला। हिंदू मुसलमान करने के नाम पर तो चुनाव जीतने के लिए इन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है, लेकिन जिस तरफ रुख जाता हुआ नजर आ रहा है उसके बाद संजय रावत का ये बयान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चोट जरूर पहुंचाएगा। क्या है पूरा मामला, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है। कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। और जिस तरीके से हिंदू की दुहाई दे करके अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, किसानों, व्यापारियों, नौजवानों के हक पर डकैती डाली है, अजगर की तरह इनके संवैधानिक अधिकारों को निगलने का काम किया है, वो सब मिल करके इनको ऐसी पटकनी देंगे कि इनको छठी का दूध याद आएगा। यूपी इलेक्शन 2022 से पहले भाजपा में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। अब तक 14 विधायक पार्टी को इस्तीफा दे चुके हैं। इसी बीच शिवसेना सांसद संजय रावत ने बड़ा दावा कर बम फोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि 10 और मंत्रियों के साथ योगी सरकार के 6 और विधायक भाजपा को टाटा बाय बाय बोलने वाले हैं और इस्तीफा देने वाले विधायकों में ब्रजेश प्रजापत, रोशन लाल, भगवती सिंह सागर, मुकेश शर्मा, विनय बाला अवस्थी के नाम शामिल हैं। बीजेपी में अब तक कुल 14 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इसमें राकेश राठौर, जय माधुरी, आर के शर्मा पहले ही सपा में शामिल हो चुके थे। वहीं अवतार सिंह भडाना राष्ट्रीय लोकपत में शामिल हुए हैं। उधर सुल्तानपुर की सदर विधानसभा से बीजेपी के विधायक सीताराम वर्मा ने सपा में जाने की अफवाह को खारिज कर दिया है। बता दें कि सीताराम पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा में जाते ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि सपा के कुनबे में शामिल होने लगेंगे, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीताराम वर्मा ने ये अफवाह पर विराम लगा दिया और कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। हवा किस तरफ बह रही है ये आप साफ समझ सकते हैं। इसी पर संजय सिंह का कहना है कि मैंने कल ही कहा था इस्तीफों का आंकड़ा और बढ़ेगा, आप देखिए कि 5 साल से लोग
दबाव में काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ लेकिन इवेंट हुए। देश में लोगों के ये सवाल है कि 80% 20 की वोटों की ध्रुवीकरण तो हो सकती है लेकिन उसमें देश का विकास नहीं हो सकता। लोग परिवर्तन चाहते हैं। जब मंत्री को छोड़ जाने के लिए लोग मजबूर हैं तो आप समझिए कि हवा किस ओर बह रही है। बता दें कि विधानसभा चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया था। वे समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। और प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद दारा सिंह, धर्म सिंह सैनी ने भी योगी सरकार से अलग हो गए हैं। और अब जो ये बॉम्ब फूटा है तो उसमें बात साफ हो चुकी है कि 10 और कैबिनेट के मंत्री योगी जी के उन्हें बाय बाय बोलने वाले हैं। और ये बाय बाय के बाद भारतीय जनता पार्टी के आपसी कलेश और 80% 20 की ध्रुवीकरण की राजनीति भरभरा कर औंधे मुंह गिर चुकी है। और इस औंधे मुंह गिरने के बाद अब सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार समझ नहीं पा रहे हैं कि हम तो राम मंदिर की बात करते करते यहां तक पहुंच गए और जनता क्यों अब सपा की ओर जा रही है, क्यों महंगाई के बारे में अब बात हो रही है और रोजगार पर युवाओं का गुस्सा ये दिखाता है कि रुख किस तरफ है। बीते 5 सालों में यूएपीए से लेकर तमाम वो धाराएं उन सभी छात्रों लोगों पर लगा दी गई जिन पर नाइंसाफी के नाम पर सिर्फ उनका जुर्म ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के खिलाफ विरोध दर्ज करा रहे थे, वो भी संवैधानिक तौर और तरीके के साथ। लेकिन अब ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी में जो ये इस्तीफे का सैलाब आया है 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं ये इसे बहा कर ले जाएगा। परिणाम क्या होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीर साफ हो चुकी है कि योगी जी और हमारे मोदी जी की 80% 20 की जो ध्रुवीकरण की राजनीति थी वो कहीं ना कहीं जनता समझ चुकी है और यूपी में अब पूरी तरह से रुख साफ होता नजर आ रहा है। संजय रावत ने भी लगातार यूपी में अपनी मौजूदगी को बनाए रखा है और उन्होंने पहले ही कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी इस बार सत्ता से जाएगी और रुख देखते हुए अब भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है और हर बार की तरह कहीं किडनैपिंग के नाम पर फिर से अपना गंदा खेल खेलना ना शुरू कर दे। लेकिन जनता समझ चुकी है कि सच्चाई क्या है, जनता क्या चाहती है और जनता का रुख क्या है, क्योंकि 30 से ज्यादा जिलों में पलपल न्यूज अब घूम चुका है और जनता का रुख भी जान रहा है, आपको बता रहा है। 80% versus 20% पर बात तो जरूर हो रही है। भारतीय मीडिया गला फाड़ फाड़ के कह रही है और तमाम वो एनालिस्ट वही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर ही वोट दिया जाएगा और जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अब तो एबीपी का सर्वे भी भारतीय जनता पार्टी को हारते हुए दिखा रहा है और गोदी में खेलता हुआ मीडिया जितना भी मुखालफत करने वाले विपक्ष को गालियां दे दे लेकिन अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ सच्चाई दिखाने के अलावा कोई और मसला बचा नहीं है। तो आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।